बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर, बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सूचना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ई रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने मिलकर दिया था लूट की घटना को अंजाम। 10 नवंबर की रात कटनी से आए यात्री के साथ 10,250 रुपए और फोन सहित सामान की थी लूट। पीड़ित के पेटीएम के माध्यम से निकाले थे 57,000 रुपए। कोतवाली देहात अंतर्गत चहितारा निवासी कटनी से रात्रि में बांदा आया था। गांव जाने के लिए बुक किया था रिक्शा। लूट में शामिल 3 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से लूटा हुआ 34,500 रुपए, एक ई रिक्शा व एक मोटरसाइकिल, 3 अदद मोबाइल हुए बरामद। क्षेत्राधिकारी नगर ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। बांदा से विष्णु सिंह की खास रिपोर्ट। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 10:50 की रात को श्री पंकज सेन निवासी चैतारा रेलवे स्टेशन पर कटनी से आके ट्रेन से उतरे और अपने गांव जाने के लिए एक ई रिक्शा बुक किया, जिसे अमित घसीटा नामक व्यक्ति चला रहा था। रास्ते में इसने किसी को फोन कर अपने 2 साथियों को और बुला लिया। उन साथियों के नाम इम्तियाज अहमद निवासी परशुराम तालाब तथा विनय रेखवाद निवासी काशीराम कॉलोनी है, विश्वविद्यालय के सामने बाईपास पर। चूँकि ये मास्क लगाए हुए थे और इस व्यक्ति को लूट लिया। उसके पास से नया मोबाइल फोन, 10,250 रुपये, पर्स वगैरह लूट लिया। अगले दिन श्री सेन अपने बैंक खाता ब्लॉक कराने आए तो इन्हें पता लगा कि जनपद महोबा से आपके खाते से 57,000 रुपये और निकल गए। इस घटना की सूचना इनके द्वारा कल थाना कोतवाली नगर में दी गई। तत्परता से कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया। 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से मोबाइल फोन, पैसे जो लगभग 34,500 हैं, ई रिक्शा जो लूट में प्रयुक्त हुआ था और मोटरसाइकिल जिससे 2 अभियुक्त गए थे तथा 3 मोबाइल फोन भी इनसे बरामद हुए हैं। घटना का सफल अनावरण किया गया। सभी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फोन ये ले गए थे और फोन का खुलवा लिया किसी से और उसी के द्वारा फोन के द्वारा इन्होंने निकाले थे।